हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टेजेस ऑफ शिपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ शिपमेंट के बारे में, राइट? तो लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल के नाम के ऊपर आपको यूट्यूब को विजिट करना है, और अगर आपको एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का प्लान लेना है हमारे पास, अगर आपको एक्सक्लूसिव मेंबर बनना है कॉमर्स की पाठशाला का, तो उसके लिए सिंपली आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एम कॉम वाले ऑप्शन में जाना है और फिर यहाँ पे ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद ये ढेर सारी बेनिफिट जो है आपको मिलेंगी। जब भी आप हमारे मेंबरशिप का प्लान का हिस्सा बन जाएंगे, जब आप एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाएंगे कॉमर्स की पाठशाला के, आपको असाइनमेंट जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा ऑन एनी क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, उस हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7। हर एक तरह की हेल्प आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको नोट्स जो है, अगर आपको नोट्स हमसे खरीदनी है तो वो भी आपको जो है बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगी, जिनको पढ़ करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस तो है ही। तो प्लेलिस्ट में आप कैसे वीडियोस को सर्च करोगे? आपको सिंपली हमारे चैनल का नाम गूगल पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको कॉमर्स की पाठशाला के ऊपर क्लिक करना है। कॉमर्स की पाठशाला का ये चैनल आपको खुल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको एमकॉम, इग्नू एमकॉम का जो दिखेगा सेक्शन, उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इग्नू एमकॉम नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको IBO 1, IBO 2, IBO 3 से लेकर के IBO 6, MCO 1 से लेकर के MCO 7 सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जहां पे ढेर सारी वीडियोस इनके अंदर आपको हैं, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे, ठीक है ना? तो ये तो भाई बात हो गई चैनल के बारे में, कैसे आपको स्टडी करनी है। अब पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि है स्टेजेस ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? सो फॉर इफेक्टिव शिपमेंट्स फ्रॉम पोर्ट्स इन इंडिया, द एक्सपोर्टर जनरली through his clearing and forwarding agents has to comply with procedural facilities of the customs and port authorities separately, है ना? तो एक अच्छा effective shipment हमारे इंडिया के ports के जरिए करने के लिए जो exporter होता है ना, उसको एक तरीके से अपने clearing agent और forwarding agent को ये बताना होता है कि भाई जो भी procedural formalities हैं, जो भी custom and port authorities की जो formalities है, आप उनको पूरा करके रखो ताकि काम जो है बहुत smoothly हो सके। तो जो forwarding and clearing agent होते हैं वो इस काम में लग जाते हैं, ताकि जो शिपमेंट को ठीक तरीके से पहुंचाया जा सके, ठीक तरीके से काम जो है वो किया जा सके। तो इफेक्टिव शिपमेंट के लिए ये काम किया जाता है। इन एडिशन ही हैज आल्सो टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द शिपिंग कंपनीज और देयर एजेंट्स फॉर ब्रिंगिंग द कार्गो इनटू द शिपमेंट शेड अकॉर्डिंग टू द लोडिंग प्लान ऑफ द शिप, है ना? तो प्लान का जो जो भी शिप का जो लोडिंग प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने के लिए आपको जो है शिपिंग कंपनी के पास से एक तरीके से परमिशन लेना होता है, या फिर उनके एजेंट के पास से परमिशन लेना होता है कि आपको अपने सामान को, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप उसको शिप करना है, आपको उसको लोड करना है उस शिप में। स्पेसिफिकली द स्टेजेस ऑफ द शिपमेंट प्रोसेस आर, देखिए स्पेशली अगर बात करें तो कौन कौन से स्टेजेस हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है ना? तो ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट वाइज आपको स्टेजेस मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको याद करने में। सबसे पहला पॉइंट है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द कस्टम अथॉरिटीज फॉर चेकिंग जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ऑब्टेनिंग एग्जामिनेशन ऑर्डर, है ना? तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपने सामान को शिप करवाना है, कहीं पे भिजवाना है, तो उस चीज के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को की फिलिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से होनी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है वहां पे डालना पड़ेगा, ताकि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ठीक तरीके से हो सके। एग्जामिनेशन ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी चेक किया गया, उसको एग्जामिनेशन ठीक तरीके से किया गया, उसका ऑर्डर आपको मिलेगा, है ना? तो वो काम करवाना जो आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। दूसरा है पेमेंट ऑफ पोर्ट चार्जेस। दूसरे पॉइंट पे है कि आपको अब जो है पोर्ट चार्जेस को पे करना है, जो भी पोर्ट चार्जेस हैं उसके लिए जो भी पैसे आपको पे करने हैं वो आपको वहां पे करने होते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ शिपिंग कंपनी टू ब्रिंग कार्गो इनटू द शिपमेंट शेड, है ना? यहाँ पे अब आपको परमिशन लेना है शिपिंग कंपनी से, ताकि आप अपने शिपमेंट को, आप अपने सामान को कार्गो के अंदर पहुंचवा सको, उसके अंदर उसको डाल सको, है ना? चौथा नंबर स्टेज होता है ये, जब आपने सामान को डाल लिया तो उसके बाद ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द शेड सुपरिटेंडेंट फॉर ब्रिंगिंग द कार्गो इनटू द शिपमेंट शेड।
अब जब आपने सामान को अंदर डाल लिया तो फिर आपके पास फिर आपको परमिशन लेना होगा शेड सुपरिटेंडेंट से, ताकि आप अपने कार्गो को शिपमेंट शेड के अंदर लेकर के जा सको, मतलब उस जगह तक उसको पहुंचा सको। पांचवा पॉइंट है अरेंजिंग फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो टू मूव इनटू द शिपमेंट शेड थ्रू पोर्ट गेट। अब सामान जो जाएगा तो परमिशन तो आपने ले लिया, तो अब आप ले करके कैसे जाओगे, तो उसके लिए अब आप ट्रांसपोर्ट का हिस्सा लोगे, ट्रांसपोर्ट का सहारा लोगे। तो ट्रांसपोर्ट आपको लेना है कि आप अपने कार्गो को शिपमेंट शेड के अंदर लेकर के जा सको थ्रू द पोर्ट गेट। पोर्ट गेट एक जगह होती है जहां से आपके सामान को शिपमेंट के अंदर लेकर के जाया जाता है ना। तो आपको जो है ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है ताकि आप लेकर के जा सको। अब ये ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का काम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का होता है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। छठा पॉइंट है परमिशन ऑफ द गेट इंस्पेक्टर टू मूव कार्गो इनटू द पोर्ट एरिया। अब आपने जब ट्रांसपोर्ट अरेंज कर लिया, तब अब आपको जो है गेट इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा कि आपको जो है अपने सामान को मूव करवाना है बाहर से अंदर की तरफ लेकर के आना है। ये आपने गेट इंस्पेक्टर से परमिशन ले लिया, उसके बाद जब आप सामान को अंदर लेकर के आ गए तो अब आपका काम हो जाता है अनलोडिंग ऑफ कार्गो इतना शिपमेंट शेड। जो भी आपका कार्गो है आपने उसको सामान को निकाल करके शिपमेंट शेड में उसको रख दिया, है ना। आठवां नंबर पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ कार्गो बाय द कस्टम अथॉरिटी एंड ऑब्टेनिंग लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। उसके बाद क्या होगा, जब आपने सामान को शिपमेंट में डाल दिया, शिपमेंट शेड में डाल दिया, तो अब जो है कस्टम अथॉरिटी के लोग आएंगे और आकर के वो आपके सामान को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसको ठीक तरीके से चेक करेंगे। चेक करने के बाद जब आपका सब कुछ ओके निकलेगा तो आपको जो है लेट एक्सपोर्ट बोल के एक ऑर्डर मिलेगा, जहां पे आपको ये अलाउ किया जाएगा कि अब आप अपने सामान को एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक ना। Obtaining let ship order from the customs preventive officer prior to loading. और जब आप लोडिंग करने वाले हो तो उसके पहले आपको let slip, let ship, मतलब सामान को चढ़वाना है ना, रखना है, उसका ऑर्डर जो है आपको कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर के पास से ले लेना होता है ना। उसके बाद का प्रोसेस है कि इश्यूएंस ऑफ मेट्स रिसीट बाय द मास्टर ऑफ द वेसल। अब जो वेसल होगा, मास्टर ऑफ द वेसल होगा, जो लोग वहां पे अपॉइंट होंगे एज अ मास्टर ऑफ द वेसल, उनके पास से आपको मेट्स रिसीट लेना है जो कि वो वही इशू करते हैं, तो वो आपने ले लिया। लेने के बाद 11वां नंबर पॉइंट है ऑब्टेनिंग फैक्ट ऑफ शिपमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर। अब जब सब कुछ हो गया, आप अपने अपना सामान को शिप करवा दिया, तो उसके बाद आपको जो है फैक्ट ऑफ शिपमेंट, आपने कितने का सामान शिप करवाया, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी वगैरह वगैरह, हर एक चीज की जानकारी जो है आपको फैक्ट ऑफ शिपमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा हुआ रहता है, जो कि आपको कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर आपको प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, एक ड्यू प्रोसेस है जिनको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप शिपमेंट की बात करते हैं, तो है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने सारी की सारी जो भी जो तरीके हैं करने के, वो मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।